अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साहिल शेख। आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML में इमेज किस तरह से अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों, HTML हेड टाइटल, टाइटल का नेम दे देंगे हम इमेज, टाइटल क्लोज, सॉरी यहाँ पे हम ले लेंगे हेड क्लोज। फिर यहाँ पे हम ओपन करेंगे बॉडी, फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे हम बॉडी, फिर यहाँ पे हम HTML क्लोज कर लेंगे। अब दोस्तों, नॉर्मली मान लीजिए कि मैंने डाउनलोड में, सॉरी पिक्चर में, ये जो मेरा डायमंड स्टडी है इसे देखो दोस्तों, ये JPG फाइल में है। तो अगर मुझे इसका यूज़ करना हो HTML में तो .jpg करना पड़ेगा, ये .jpg लिखना पड़ेगा। मैं ये इमेज को देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है डायमंड स्टडी, और अगर आपके पास जो भी इमेज है अगर वो अपलोड नहीं होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी ये गलती हो जाती है कि आप अपने फाइल का बराबर चेक नहीं कर पा रहे। तो देखो दोस्तों, ये JPG फाइल है, तो आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो देखो, इसको इस तरह से लिखना होगा, इमेज .jpg इस तरह से उसको लिखना होगा, जब भी जाके वो अपलोड होगा। और मैं ये बता दूँ, जहाँ पे भी हम ये फाइल को सेव करेंगे, जैसे कि मैं ये फाइल को पिक्चर में ही सेव करूँगा ताकि ये जो इमेज है उसको वही फोल्डर में मिले और अपलोड होने में आसानी हो। तो दोस्तों, आप इधर आ जाइए, इमेज का IMG टैग है, IMG फिर स्पेस SRC कोस टू, यहाँ पे हम लेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा और यहाँ पे लिखेंगे इमेज .jpg। मैंने आपको बताया था वहाँ पे .jpg लिखा है, तो इसलिए मैंने .jpg ले लिया है। और मैं इसको सेव कर लूँगा, सेव एस पे जाऊँगा। अब मैं पिक्चर पे आऊँगा, यहाँ पे मैं जो भी नाम दे दूँ, diamond.html .html कंपलसरी है। सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं पिक्चर में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं diamond.html को ओपन करूँगा। तो दोस्तों देखिए, मेरा जो इमेज है वो इंटरनेट पे अपलोड हो गया। मगर अगर इसकी साइज़ मुझे कम ज़्यादा करना हो तो कैसे करेंगे? आप नोटपैड ओपन कर लीजिए, मैं इसके अंदर आऊँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा WI DTH इक्वल्स टू, मैं 200 पिक्सल ले लूँगा एंड हाइट मैं 180 पिक्सल ले लूँगा। अब मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, या तो मैं यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ, सेव। अब मैं इधर आऊँगा, इसे मैं रिफ्रेश करूँगा। देखो दोस्तों, साइज़ छोटी हो गई। अगर मुझे साइज़ बढ़ाना हो तो मैं बढ़ा सकता हूँ, इसे मैं 400 कर लूँगा, इसे मैं 480 कर लूँगा। यहाँ पे आके मैं सेव कर लूँगा, फिर मैं उसको आके इसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा, ये बढ़ गई। तो इसी तरह से HTML के लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ बता चुकी है, और ये HTML के लेक्चर में ये भी आता है। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।